बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। ये एक रिटन मैसेज आया है, कहते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या आपसे हम काली मिर्च के पौधे आपसे मिल सकते हैं? और फिर दोबारा से कल आया है, हेलो सर, आप प्लांट सेल नहीं करते? अल्लाह अकबर। मैंने इनको अपना इंट्रोडक्शन भी भेजा था, वो कहते हैं ये क्या है सर, हमें समझ नहीं आई। तो चलें, ये आपकी मर्जी, अगर आपको समझ नहीं आई, समझ तो आ जानी चाहिए। मेरी जान, मैंने आपको इंट्रोडक्शन अपना भेजा था ताकि आपको पता चले कि मैं कोई पौधे सेल नहीं करता। अलबत्ता आपको काली मिर्च का पौधा या कोई और पौधे चाहिए हो, जैसे फिंगर लाइम है और भी, तो ये एक नर्सरी है, अहमद सईद नर्सरी फॉर्म है, ये उनका मैं नंबर आपको दे देता हूँ। ये इनका है 03006569291, सईद अख्तर साहब है, उनसे पता कर लें। या फिर आप पतों की में आप वहां से बहुत सारे आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आप गूगल में जाएं, पतों की में नर्सरीज के वाले वो भी बेच रहे होते हैं इस तरह के पौधे, उनसे भी पता कर लें। एक नंबर मेरे पास पड़ा है, वो आप मियां शहजाद दा ओकाड़ा लिखा है, और ये है 03457508136, ये है पत्तों की का। बहरहाल, ये मैं, मेरी जान, ये पौधे बेचता नहीं हूँ, ना ही मैं ये कारोबार करता हूँ। अलबत्ता ये है कि मैं नॉलेज बांटता हूँ, इल्म जो है आप लोगों तक पहुँचाता हूँ जो मेरे पास है। अगर कोई सवाल करना हो, कोई उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वो आपने मेरा प्रोग्राम देखा होगा, काली मिर्च की जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वो मैंने दे रखी है, वो देखें। और भी जो कोई रहनुमाई हासिल करनी चाहें, वो कर सकते हैं। किसी भी पौधे और किसी भी क्रॉप्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लाइफ स्टॉक, बर्ड्स, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरी जान इस चैनल पे जाके आप पूछ सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स नहीं अलबत्ता कर सकते, मैं कॉल्स नहीं लेता। थैंक यू वेरी मच। और जब भी आप वॉइस ये रिटर्न मैसेज भी करें तो अपना नाम और जगह का नाम जरूर बताएं। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम सूरा कौन सी, अब बेशुमार मेरे पास इतना एक पड़ा हुआ है, सूरा अल बकरा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने सदके एहसान जतलाकर और तकलीफ पहुंचाकर जाया मत करो, उस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों के दिखलावे के लिए खर्च करता है। अल्लाह अकबर, सदक अल्लाहुल अज़ीम। ये सूरा बकरा की एक आयत का तर्जमा, ये 264 है नंबर आयत का, सूरा बकरा आपको पता ही है, दूसरी सूरा है, दुआओं में याद रखें। फ़ीमान अल्लाह।